बेटी सोनी, बेटी सोनी, बेटी सोनी। हे भगवान, सोनी 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 सब मर गए। सच में मर गए? मार डाला सबका। उन सब लोगों को तुमने मारा है ना? तुम सब लोग बुरी मौत मरोगे, देखना। प्रोफेसर के आने का टाइम हो रहा है, लेट्स डू इट। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ यार। सर, ये लोग मेरे साथ। सब रेडी है ना? सर, रेडी सर। छंदोद्भव इति हृदयाय नमः। निष्कलो निर्मल इति शिरसे गणक्रीड इत्यं गुष्ट्याभ्यां नमः। विज्ञानमानंद इति कवचाय हुम। कृतप्रियो कृष्णो हुरुल्लेखा मंत्रमध्यगः। हंसो हस्ति पिशाचीशो हवनं हव्यकव्यभु। ह्रां ह्रीं ह्रौं। तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगी। रेवती और श्रुति को तो मार ही दिया है तुमने, लेकिन तुम हम लोगों को नहीं मार पाओगी। हम तुमसे अपनी सोनी को बचा कर रहेंगे। तुम लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है। मैं तुम लोगों को भी उनके पास भेज दूंगी। ए शरद बॉस, ये ऐसे क्यों कर रहा है जैसे इसको मिर्गी आ गई हूँ? रॉकस्टार की तरह बॉडी हिला रहा है बॉस। मैं मिर्गी नहीं, शॉक लगा है, स्विच बंद कर। नहीं, थोड़ी देर ऐसे रहने दे। अरे कम से कम बजाना तो सीख जाएगा। बिल्कुल सही बॉस, उसको छूना मत वरना शॉक लग जाएगा। फॉलो मी, चलो। नेहा, आई लव यू। मैं जैसे आई लव यू टू कहूंगी वो सबसे टॉप पे होगा। हम भी टॉप फ्लोर ही है पेंट हाउस। तो ऐसा करो, वहाँ से कूद के मर जाओ। कैसी लड़की है यार ये। रेवंत, ये तुम अपनी रिंग वापस ले लो। क्यों, क्या बात हो गई? किशोर के साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। क्यों, मुझे नहीं बताया? क्यों, मारोगे क्या? नहीं, ये रिंग उसे बेच दूंगा ना। कोक पी रहे हो? हाँ पी रहा हूँ। मुझे एक सिप दोगे? नहीं दिया तो तुम रोज मुझसे ही मांगोगी। ऐसा क्या स्पेशल है तुम्हारे इस कोक टिन में? छी, ये कितना कड़वा है। इसमें ब्रांडी मिलाई थी ना, इसलिए। तुमने ब्रांडी मिलाई है? क्यों, तुमको कुछ और लग रहा है? यार, तुझे 1,00,000 रुपए दिए हुए 5 महीने हो गए, अभी तक मेरा ब्याज नहीं दिया और गले में गोल्ड पहन कर घूम रहा है। अबे ये गोल्ड नहीं है बे, रोल्ड गोल्ड है। मस्त मूवी है यार। हाँ यार, सच में बहुत ही मस्त शॉट है। शॉट नहीं रे, लड़की की बॉडी तो देख, क्यों लग रही है। अरे चल, सर्टिफिकेट भी तो लेना है। अरे उसे लेके क्या करना, कोई ऑस्कर थोड़ी मिल रहा है। वैसे भी सर्टिफिकेट की जरूरत फिल्म बनाने में नहीं होती है। लाइफ में एक बार ऐसी मूवी जरूर बनाऊंगा। अबे ऑलरेडी मूवी बन चुकी है, अब तू नया क्या बनाएगा? गोदावरी में नाव पे सीन शूट करूंगा, तुझे कोई प्रॉब्लम है? चल निकल। तुम मेरी हो, मैं ए पागल। क्या हुआ? संजय कहाँ है? संजय डांस एकेडमी में है वो।
अरे क्या बात है, आज तो सर फ्री बैठे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आज से हमारा एक्टिंग कोर्स पूरा हो चुका है ना। अभी तक जो सीखा है वो आपको दिखाने आया हूँ सर। ठीक है तो दिखाओ। रौद्र सर। डर सर। गुस्सा सर। सर रहम सर। अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सर। अद्भुत सर। सर सर इसमें कोई एक्टिंग नजर नहीं आ रही है मुझे तो। सर प्यार है सर। इसमें कोई एक्टिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी नस खराब हो गई। सर क्या नस के प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हो, इतना सब कुछ दिखाने पर भी। तुम पहले टमाटो सूप बनाना सीख लो, उसके बाद रेस्टोरेंट के बारे में सोचना। सर हर्ट कर रहे हैं सर। हर्ट मत हो, ये तो हास्य रस है, मैंने सिखाया क्या। वैसे भी शायद तुम उसी प्रोफेसर के पास सीख रहे हो ना। हाँ सर। किस लिए रखा है जानते हो, वो जो भी सिखाएगा उसे छोड़कर बाकी सब अच्छी एक्टिंग है, समझे कुछ। जाओ प्याज खरीद के ब्लॉक में बेच लो। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते, बैठिए बैठिए। मैं कुछ साल पहले चिरंजीवी बनने इंडस्ट्री आया था सर। हाँ सभी लोग इंडस्ट्री में चिरंजीवी बनने ही आते हैं, आखिर में चिरंजीवी को देखकर लौट भी जाते हैं। मेरे बेटे को रामचरण बना दीजिए सर। तो फिर रामचरण क्या करेगा, वो उसकी मर्जी है सर, पर मेरे बेटे को रामचरण बना दीजिए सर। सिक्स पैक के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर। सिक्स पैक, तुझे तो देख के पूरा फैमिली पैक नजर आ रहा है मुझे। मेरा बेटा डांस बहुत अच्छा करता है सर। अच्छा तो आप भी फीस अच्छे से भर के चले जाइए। ठीक है सर। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, ये एक्टिंग प्रोफेसर को ना तो एक्टिंग आती है और ना ये टाइम पे आता है। प्रोफेसर साहब। हाँ गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। ये प्रोफेसर जी है। टैग कहाँ से खरीदा आपने, काफी नया लग रहा है। टोपी के साथ मिलते हैं जी। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप इसे बिना धोए बचपन से पहन रहे हैं। ये केसी कहाँ है, ये भी ना। वो देखिए वो आ गया। आ गया सर। कहाँ गए थे तुम। वो क्या सर, यूएस से मेरा दोस्त एमएस आया है, उसका पासपोर्ट गायब हो गया है, इसलिए पीएस में कंप्लेंट करने गया था सर। क्यों, वो खुद कंप्लेंट नहीं कर सकता था। केसी सर पैकेट है क्या, पर चलाई नहीं है सर। क्यों, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, नीचे स्क्रोलिंग आ जाएगा सर। तुझे असिस्टेंट रखने से ज्यादा और इसे एक्टिंग प्रोफेसर रखने से ज्यादा इंजीरियस क्या हो सकता है भाई साहब। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं आता है। भाई साहब ये दुखी लगता है। ये दुखी नहीं लग रहा है, ये अपने ही म्यूजिक पर रो रहा है ऐसा लग रहा है। क्यों भाई। नहीं सर मैं किस लिए रोऊंगा, मैं तो सैड म्यूजिक बजा रहा हूँ। अच्छा। ये 3 साल से इंडस्ट्री में है, एक्शन 3D मूवीज आ गई लेकिन इनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं आया, क्यों, सही कहा ना कैसी। कमी मुझ में नहीं है सर, इंस्टीट्यूट में है सर। सर हमारे चीफ गेस्ट आ गए सर। ओ लगता है आज इनकी कार खराब हो गई इसलिए बाइक पर आ रहे हैं। वो है हमारा स्टूडेंट संजय। तुझे हर चीज की इतनी जल्दी क्यों होती है। सॉरी सर। जा पहले जाके हल्का हो गया। गुड मॉर्निंग नहीं कहा। ठीक है तो बोल दीजिए। अल्ट्रा मॉडर्न यूथ है ना, ये ऐसे ही जवाब देंगे। चलो जाओ सर। एक छोटा सा पात्र होगा तो दीजिए सर। पात्र वो देखो वहाँ है, जाओ उसे धो दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर, रोल चाहिए। रोल थोड़ा वजनदार होगा, उठा पाओगे क्या। अरे रोल मतलब नाटक में रोल भाई। तुझे पालना ही बड़ी बात, ऊपर से रिकमेंडेशन दे रहा। चल निकलना जा। हाँ हाँ निकलो निकलो। बड़ा टुच्चा आदमी लग रहा है ये तो। नमस्ते सर। नमः शिवाय, शंभु शांताय, परमात्मा ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठे काफी टाइम हो गया। वैसे तुमने इनके पैर क्यों छुए, एक्टिंग कैसे करनी है ये सीखने के लिए। क्या कहते हो भाई साहब, तो तुम ये सब जबरदस्ती करवाते हो। आपको और आपके इंस्टीट्यूट को मेरा प्रणाम, फिर जिंदगी में कभी दिखा तो पकड़ कर मारना मुझे। अरे यहाँ बोल दिया और कहीं मत बोलना, आज फंक्शन भी है। अरे तुझे मैं एक बात बताऊँ। हाँ बोलना। ये जो सामने भीड़ खड़ी है ना, इन लड़कों में से सिर्फ 25% लोगों के पास दिमाग होगा, तो बाकियों के पास गर्लफ्रेंड है ना। रे अरे तेरी आइटम आ रही है। हाय संजय। हाँ क्या हुआ। आई लव यू। रूटीन डायलॉग। आमी तुम्हाके भालोबाशी। मतलब यानी बंगाली में इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा ते उदियो। मतलब स्पेनिश में इसका मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उससे तुम प्यार नहीं करते हो ना। नो हे कहाँ जा रही हो। सुसाइड करने जा रही हूँ। तो इतना मेकअप करके क्यों आई। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। इंस्टीट्यूट कैसा चल रहा है। कर्जे में है। तो फिर वो चल कैसे रहा है। कर्जों के साथ ही चला रहा हूँ सर। मैंने तो सोचा था इंस्टीट्यूट अच्छी तरह से चल रहा होगा। चल तो रहा है सर, पर इतना अच्छे से नहीं। आप आ गए यही बड़ी बात है। बालों को व्हाइट कलर लगा है क्या। नहीं वो सफेद हो गए।
क्यों? सर्टिफिकेट मिल गया क्या? तूने ही तो मना कर दिया था। मैं तो सर बुरा ना मान जाए इसलिए आया। अबे तेरी टंग डॉयल से मोबाइल की तरह है क्या? सत्य चित्रे वो माननीय इंसान है जिन्होंने इस रे इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। इस इंस्टीट्यूट की परंपराओं के हिसाब से ये एक्टिंग कोर्स खत्म होते ही स्टूडेंट्स को 10 टीम में डिवाइड करके उनको एक एक को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। ऐसे फिनिश किए प्रोजेक्ट्स में से टॉप 3 टीम सेलेक्ट करके उनको फिल्म बनाने का मौका दिया जाता है। सिनेमा जो है वो मॉर्निंग में उठकर ब्रश करने जैसा है, उससे कोई नहीं बच सकता। सिनेमा का मतलब है 24 फ्रेम्स पर सेकंड, ऐसा एक महान व्यक्ति ने कहा था। और उस महान इंसान ने कहा था कि सिनेमा जो है वो एक सेकंड में 24 झूठ दिखाने की एक अच्छी मशीन है। और ऐसा सिनेमा के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा झूठ हमारे चीफ गेस्ट श्री कनालाल देवदास जी बोल सकते हैं, मेरा मतलब सच बोल सकते हैं। आइए, इस सिनेमा इंस्टीट्यूट में आज सर्टिफिकेट पाने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा आशीर्वाद और सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मूवी में मेरे हिसाब से सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और मैसेज देने के लिए सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, एसएमएस और ईमेल है ना, तो हमें मैसेज देने की जरूरत नहीं है। मूवी टिकट्स के रेट्स बढ़ने से आप दुखी मत होइए, क्योंकि खुशी पाने के लिए 5 रुपए ज्यादा खर्च करना कोई गलत बात नहीं है। मैं चाहे जितने भी जन्म ले लूं, इस सिनेमा इंडस्ट्री में ही पैदा होऊंगा और सिनेमा में ही जीऊंगा। इस सिनेमा की दुनिया को अपने सांसों में भर लो और अपने जीवन के सपनों को सच कर लो। गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीबॉडी। हाय सर। यू आर द टॉप बैच ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। आप जल्द ही इस इंडस्ट्री के टॉप पोजीशन में पहुंच जाओ, मैं ऐसा चाहता हूं। अगर आप नहीं चाहोगे ना तो भी हम पोजीशन में रहेंगे। ऐसा कहने वाले सभी लोग आज घर में बैठे हैं, सही कहा ना भाई? मैं तुम्हें भी घर बिठाने के बारे में सोच रहा हूं। वो तो ठीक है, पर वैसे हम जो मूवी करने वाले हैं वो किस जोनर की है सर? हॉरर। सर हॉरर, मुझे भूत पिशाच से बहुत डर लगता है सर। नहीं सर, रोमांटिक फिल्म दे दीजिए, मैं बहुत अच्छे से करूंगा। रोमांटिक फिल्म में एक्टिंग करनी है? तुझे तो कोई डी ग्रेड की फिल्म में भी नहीं लेगा। आप क्यों हंस रहे हो? आपको भी नहीं लेगा। आर्टिस्ट वो होता है जो किसी भी ऑनर में एक्ट कर सकता है। हाँ, तुम सब एक टीम हो, टीम की तरह काम करो। सर हीरोइन कौन है? सर रेशमी है, अपनी इंस्टीट्यूट की है। सामंता को ट्राई करना चाहिए था सर। ट्राई किया था, तुम्हारा नाम से वो नहीं आई। बेकार में बोल दिया। लोकेशन कहाँ है सर? लोकेशन डीप फॉरेस्ट, मोस्ट डेंजरस। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। दलालम भविष्य वक्तम छात्रम चलचित्रम यथा दलालम भविष्यम कथा फीचर फिल्मस्य निर्माण कार्यम नारी तथा नरा कहा प्रणाम भविष्यम तथा शिवाय शंभो शांताय परमात्मने। ये चंदू, इसमें क्या लेके आया है? बिरयानी लाया हूँ, खाएगा क्या? भूख भी लगी थी हम लोगों को। तू तो हमेशा भूखा ही रहता है। तो देना। अरे वो कोल्ड ड्रिंक्स भी दे मुझे। ए, वो कोल्ड ड्रिंक्स मुझे दे। अबे जल्दी आ, मुझे बिरयानी खानी है। कितना टाइम लगाएगा? ए, बिरयानी को खोल रहा है। अरे भूख लगी है ना गधा कहेगा, मेरी जल्दी आ। क्या टेस्ट है, मुझे दे ये बिरयानी, तू खा ले। कल राइस बच गया लास्ट में। संजय लेफ्ट ले ले। आई एम ऑलवेज राइट, मैं राइट की तरफ जाऊंगा। सुपर है तू। संजय एरोमा तो लेफ्ट दिखा रहा है, लेफ्ट ही जाना होगा। कह रहा हूँ ना राइट जाऊंगा। तुम सब चुप रहो, कैसी सर से पूछो वो सही बताएंगे। कैसी सर? कैसी सर? कैसी सर? आइए ना सर, आइए ना सर, आइए ना सर, प्लीज सर जल्दी आइए। तू देखना
केसी भी उधर ही कहेगा जिधर मैंने कहा था जाने को। क्या हुआ सर, हमें लेफ्ट जाना या राइट? नक्शे के अनुसार तो लेफ्ट ही जाना चाहिए हमें। सर पक्का है ना सर? श्योर। अरे मैंने भी यही बोला था ना। लेफ्ट चलो। लेफ्ट साइड। चंदू कार निकालो। चलो चलो चलो। अर्चा तुम भी कार निकालो जल्दी। चलो 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 चलो। यहाँ पे रहने में बहुत मजा आएगा। फाइनली पहुंच गए। चलो बहुत ही शानदार है। चलो भाई। अरे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ हाँ एक मिनट आइए आइए। शूटिंग बैच आपकी है ना? हाँ सर। घर पे सबको बता के आई हो ना? तुम्हारे घर का एड्रेस हमें थोड़ी पता है। ज्यादा चालाक मत बनो। मेरे घर वालों को नहीं तुम्हारे घर वालों को जंगल में फार्म हाउस है, बचने की गारंटी नहीं होती है। ये सब हमें क्यों बता रहे हो? हम अंदर तो जा सकते हैं ना? आराम से जा सकते हो, सिंगल या डबल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। लोकेशन देखने चलते हैं। चलो। हाँ चलो। लास्ट टाइम के डायरेक्टर भी गए थे, वापस नहीं आए। लड़कियों को देखते ही ये भी आ जाता है। कौन है ये? माली है क्या? ये माली नहीं है, फार्म हाउस का ओनर है। फार्म हाउस का पेमेंट लाए कि नहीं ये तो बताओ। हाँ लाए सर। खर्च मत कर देना। ये बलदेव। अरे बल्ली जल्दी बाहर आ, इंट्रोडक्शन देनी है। क्या बात है, नए स्टूडेंट आए हैं क्या? ब्यूटीफुल। आपकी वाइफ है क्या सर? ए, सेकंड वाइफ है। अच्छा बहुत सुंदर है। ये हमारे कुक है। ए, ये शूटिंग बैच है। इनको जो चाहिए वो बना के देना। पैसे के बारे में मत सोचना, पर मांगने पर ही देना। इसमें आपको कहने की क्या जरूरत है, मैं अपना टैलेंट दिखा दूंगा। मैं भी। आप भी? दिखा दो मैडम, मर जाएगा। आपके गले में भगवान की ताबीज है क्या? नहीं मेरा ही है। ऐसे क्यों? मुझे भगवान से ज्यादा खुद पे भरोसा है। आइए आइए, इसी फार्म हाउस में आपको रहना है। यहाँ हनीमून प्लान करेंगे तो बहुत मजा आएगा ना? हाँ अच्छा आइडिया है। तेरे साथ नहीं बाबा, अपनी वाइफ के साथ। ये क्या यार, तू बात करते करते उसे क्यों देख रही है? सच सच बताना। हाँ तुम्हें संजय पसंद है ना? तुम्हें ये बात आधे मिनट में समझ में आ गई। 3 महीने हो गए लेकिन संजय को समझ में नहीं आया। दारू दारू। अरे रे रे, आराम से पी, किस बात की जल्दी है? बोल मत। अरे थोड़ा रुक के। ए, क्या कर रहा है? बात मत करना। पी गया ना? अरे ये तो पागल हो गया है। कहाँ है दारू? बेवकूफ हो तुम लोग। क्यों भाई, मीटिंग चैटिंग ड्रिंकिंग के अलावा और कुछ टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा है तुम लोगों में? तुम लोगों में से किसी को एक्टिंग आती है क्या? सुनो मित्र, हमें चैलेंज कर रहे हो, टैलेंट तो दिखाना ही पड़ेगा। संजय, ओए विजय, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए सब यार? कहाँ हो तुम लोग? हे अदिति। क्या अदिति, तुम मुझे छोड़कर किसके साथ चली गई? क्यों चिल्ला रहा है? भूत। ओ बंद कर, तुझे देखकर भूत को डरना चाहिए, भूत को देखकर तू क्यों डर रहा है? सच में भूत है भाई, चाहो तो देख लो। जूनियर आर्टिस्ट है, डायरेक्टर के कहने पे बुलाया है। हमारे लोग कहाँ चले गए? शूटिंग करने। तो आप लोग क्यों नहीं गए? तेरा वेट कर रहे थे, जा रेडी हो गया जल्दी। ठीक है ठीक है।
प्लॉट ये है कि तुम इन पेड़ों के बीच से जाओगी। नहीं विजय, वहाँ मच्छर होंगे, मैं नहीं जाऊंगी। कैसी सर? हाँ विजय, हमारे पास ओडोमॉस जैसा कुछ है क्या? खत्म हो गया यार। हाँ हेलो, चुप रहे। ये कैसा मैनेजर है, हमारे स्प्रे ओडोमॉस सब कुछ यही यूज कर रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब देख लूंगा, ठीक है ना? चलो अब जाओ। एकदम आराम से। बोलकर तो यही राय थे तुम, लेकिन तुम कुछ करते ही नहीं। ए, यहाँ पर क्या चल रहा है? शूटिंग। डायरेक्टर कौन है? मैं हूँ, देख के पता नहीं चलता क्या? तुम्हें देखने नहीं आया हूँ, आई एम ए फॉरेस्ट ऑफिसर, तुम जरा साइड में आओ। ओके। नाम क्या है? विजय। देखो विजय, तुम्हारे पास परमिशन है क्या? क्यों एक्सपोज करना है? पोज मत दो, शूटिंग की परमिशन है क्या? शायद नहीं है सर, सब लोगों को बोन में डाल देते हैं। ये बोन क्या होता है? जैसे शहर में जेल होती है वैसी जंगल में बोन होता है। अरे सर ऐसा मत कीजिए सर, बहुत नुकसान हो जाएगा। आइए आइए, चलो चलो, आइए आप, आइए आपसे बात करते हैं। आइए सर, आइए आइए आइए। बोलो कितने में सेटल करोगे? आप जो दे देंगे ले दूंगा। अब क्या बकवास कर रहे हो तुम, पेमेंट दोगे तो शूटिंग होगी वरना कैंसिल। ठीक है, मैं सर से पूछकर आपसे स्टेशन में आकर मिलता हूँ। जो भी है जल्दी करो, अरेंज करो, चलो जाओ। ओके सर। ए, गाड़ी ले आ रे। क्या सर, कुछ पैसों का जुगाड़ हुआ क्या? नहीं हुआ, वो तो खुद मुझसे मांग रहा था यार। सर उस पर एक और शूटिंग चल रही, वहाँ पर चले। अबे गधे, सुबह यहाँ शूटिंग चल रही, शाम को वहाँ शूटिंग चल रही, कहकर पूरा दिन घुमा दिया, एक जगह से कुछ नहीं मिला हमें। चलो। हाँ सर। खुद को पैसे नहीं मिले तो मुझे मारते हो। अब सीन ये है कि तुम आओगी और रेशमी से बोलोगी, रेशमी आज तो संजय का बर्थडे है ना, तो गाजर का हलवा बनाए। तो तुम सोचोगी गाजर का हलवा लेके जाऊंगी तो वो सरप्राइज हो जाएगा, एक्साइटिंग एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। फिर तुम क्या करोगी, गाजर को उठा के एक एक टुकड़े करके उसे काटोगी। इस बीच में तुम क्या कहोगी, रेशमी मैं अभी आती हूँ, ऐसा कहके एग्जिट हो जाना, और तुम कंटिन्यू काटती रहोगी। काटते काटते अचानक एक हाथ तुम पे आता है और वो तुम्हें पकड़ता है। ए, हाथ आता सीन समझा। जैसे ही हाथ आएगा तुम घबरा जाती हो और पीछे मुड़ के देखना, वहां कोई नहीं होगा, तुम एकदम से शॉक होके डर जाओगी और जोर से चिल्लाना, यही है शॉक। तुम समझ गई ना? तुम समझी? अरे सुब्बू। हाँ ठीक है। ओके है ना? शिवा क्लैप दे। रश्मि तुम सब्जी काट लो, मैं अभी आती हूँ। ओके नेहा। यार क्या एक्सप्रेशन दिया है, उसके हाथ की टाइमिंग क्या सही थी ना, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसी सर, कैसी सर? हाँ क्या हुआ विजय? उस जूनियर आर्टिस्ट ने एकदम सही समय पे हाथ रखा था, एक बार उसे बुलाइए तो जरा। जूनियर? जूनियर तो कोई आर्टिस्ट नहीं था। कोई आर्टिस्ट नहीं था तो किसने हाथ रखा होगा, चलो छोड़ो जाने दो। सर सर सॉरी सर। तुम कौन हो भाई? जूनियर आर्टिस्ट हूँ सर, वो कोई हाथ रखने का शॉट था ना सर, सर वो गाड़ी की वजह से मैं लेट हो गया। तू समझे क्या बोल रही है? ठीक है तुम अगले सीन में एक्ट कर लेना, तब तक जाकर बाहर बैठो। एक सेकंड। यार ये कोई हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, चलो चलते यहाँ से। सुन, तुझे अगर नंबर वन कैमरामैन बनना है ना, और मुझे अगर नंबर वन डायरेक्टर बनना है, तो इससे डरना नहीं है। और एक बात और, इस बारे में यूनिट में किसी को पता ना चले। यार मैं किसी से नहीं कहूंगा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दे यार। अरे मेरी लाइफ है यार। अरे इस हॉरर मूवी को ना नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, मुझ पे भरोसा तो कर। तू नहीं छोड़ेगा, ये डर पूरी तरह निकल जाने के लिए पूरी बोतल बुल्ली भगवान के ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। संजय को ऐसे देखने में कितना थ्रिल है यार, अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो बेडरूम में आकर तुम्हें मारेगा। तुम्हें पेड़ पौधे बहुत पसंद है क्या? बहुत पसंद है, अगर ये नहीं होते तो मच्छर नहीं होते। इफ यू नो, आज इन प्लांट्स की वजह से ही हम इंसान जिंदा हैं। अच्छा तुम्हें इतना कुछ पता है? आई एम अ बॉटनिस्ट, आई लव प्लांट्स।
एरिका पाम, स्पाइडर प्लांट, फिलोडेंड्रम सेल्यूम, राफिस्ट फार्म, इनको लगाने की वजह से ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तुम्हें ये बात पता थी? अभी अभी पता चला। क्या कहा? तुम्हारी फ्रेंड शूटिंग छोड़ करके हाईवे के बगल नर्सरी खोल के बैठ गई ना, तो सेटल हो जाएगी। शट अप संजय, तुम आगे बताओ। हम लोगों में नॉन वेज और वेज होता है ना, वैसे ही पेड़ पौधों में भी नॉन वेज प्लांट्स को कार्निवोरस कहते हैं और वेज प्लांट्स को हर्बीवोरस कहते हैं। मतलब कार्निवोरस हमारे जैसा मांस खाती है क्या? ऑब्वियसली, इस तरह के प्लांट्स में मैन ईटर्स भी होते हैं। अच्छा, हम यहाँ सुनने बैठ गए तो हमें कुछ भी स्टोरी सुना रही है। आ, सच में? स्टोरी नहीं है, फैक्ट है। ये भी कार्निवोरस प्लांट है। उंगली रखो। मुंह तो खोलो। मुंह में नहीं, प्लांट में। हाँ, रखता हूँ। हाँ यार, सच में पकड़ लिया इसने तो। बहुत दर्द हो रहा है। अरे छुटाओ मुझे जल्दी। कुछ करो मैडम। निशान पड़ गया यार। बहुत नॉटी। अच्छा, हम तो शुरू से ही ऐसे हैं। अरे देख जरा, संजय रेशमी से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा है। कुछ भी, वो 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक से देखना। अरे वो नहीं रे, मेरा मतलब था एक दूसरे को चाहने लगे हैं। हम ऐसा थोड़े होने देंगे। तो देख कर है, बुला। ए रेशमी, तुम्हें साइड में आने के लिए कह रहा है विजय। मुंह तोड़ दूंगी। उसके लिए नहीं, शॉट के लिए। मुंह तोड़ने की बात उसने शॉट के लिए कही है? तू अपना मुंह बंद कर दे। वो ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मॉनिटर में चेक कर लो। या आई एम कमिंग, अभी आती हूँ। ओके। अरे वो आ रही है, नीचे कर वरना ऊपर ही गिरेगी। तो अब किसे लाइन मार रहे हो? तुम्हारी बहन को। मुंह तोड़ दूंगी। कट इट। तुम्हारा नाम गूगल है क्या? ऐसा क्यों पूछा? तुम्हें जो भी ढूंढ रहा हूँ वो मिल जा रहा है। रियली? या तुम्हारे लिप्स को लॉक करके 10 मिनट्स के बाद अनलॉक करने का मन कर रहा है। आर यू रेडी? पास आ जाओ। कट इट। लोकेशन शिफ्ट। शिफ्टिंग स्क्रिप्ट के हिसाब से इस सीन में तो किस होना चाहिए था ना? किस सीन निकाल दिया मैंने? तू कौन होता है निकालने वाला? डायरेक्टर हूँ, कैप्टन ऑफ द शिप। तू अगर इंडियन टीम का कैप्टन होता ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। केसी जी, ये लोग शांति से काम क्यों नहीं करते? क्या हुआ संजय? क्या हो रहा है ये? देखो, हीरोइन को तुम ऐसे वैसे नहीं बोल सकते। अरे वो बात नहीं है सर, स्क्रिप्ट के हिसाब से इस सीन में किस होना चाहिए था, ये कौन होता है वो निकालने वाला? देखो विजय, जैसा स्क्रिप्ट में है वैसा ही शूट करो, वरना बॉस हमें छोड़ने वाले नहीं है। सर मैंने इसे बताया किस सीन मैंने निकाल दिया है। केसी जी, मुझे किस चाहिए बस। किस करने में तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो नो प्रॉब्लम। इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो फर्स्ट नाइट सीन भी एक्ट कर देगी। इसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो, एक्शन तो बोलो। एक्शन? तू देख रहा है कैसे किस कर रही है वो? टेंशन मत ले, एडिटिंग में निकाल देंगे। हाय हाय, पूजा, 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 क्या हुआ? इस फार्म हाउस में कुछ तो है, मुझे डर लग रहा है। ओफो, आधी रात तक किताबें पढ़ोगी तो ऐसा ही होगा। चलो चल के सो जाओ।
साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। हाय। रुको, मैं आ रही हूँ। हे! अरे एक तो खा ली। बस, अरे बस कीजिए। एक लास्ट हाँ। क्या हुआ, तुम इधर क्यों आई? आपका पोता शायद इसी तरफ आया था ना, कहाँ है? हाँ। आप हंस क्यों रहे हैं? वो आपका पोता नहीं है। शादी हुए 16 साल ही हुए, पोता कहाँ से आएगा? अभी तो बेटा भी नहीं हुआ है। अब तो वो बच्चा शूटिंग के लिए किसी के साथ आया होगा। ओके। ठीक है, ठीक है। मैं हूँ तेरा प्यार, तू है मेरी प्यार। मैंने सब सुन लिया। वेरी सैड। 16 इयर्स, नो चिल्ड्रन। हो गया तेरा, तू जब से आया है नोटिस कर रहा हूँ। गिटार बजाते बजाते मेरी बीवी के पास क्यों आता है? कूल मैन, मैं तो बस ऐसे ही मिलने के लिए आता हूँ। ए बकवास मत कर, अभी तू मुझे जानता नहीं है, चल भाग। सॉरी, इट्स ओके। अजीब सन की आदमी है। सबको परेशान कर रही हो? देखो मैडम, 10 साल से इस फार्म हाउस में इन सड़े हुए चेहरों के अलावा कोई भूत नहीं है। मैंने सच में उसे देखा। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे शूटिंग नहीं करनी, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसी बातें मत कर, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक काम करो, आज रात इस लक्ष्मी के साथ सो जाओ। अरे अरे, ऐसा नहीं हो सकता, इसे मैं किसी और के साथ नहीं छोड़ सकता। इसकी यही प्रॉब्लम है। सुनो भाई कैमरामैन, तुम इसके साथ सो जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं सो सकता, हमें कुछ डिस्कशन करना है। विजय भूल गया क्या? आजा ना, चल। डिस्कशन? मैडम तुम तो सो जाओ। मैं? नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं, मैं नेहा के कमरे में सो जाऊंगी। अरे बाप रे। हाँ क्यों भाई, अब तुम क्या कहते हो? रूम में जाकर क्या करोगे? खाली खुजाते बैठोगे ना? जाओ यहाँ से। ये भी अजीब है, कुछ करने के लायक नहीं है। ठीक है, अब तो मुझे ही सोना पड़ेगा, चलो आओ। मैं हूँ ना। तुम जाओ जाओ, तुम चलो डार्लिंग, चलो। इसका ध्यान रखना रे भाई। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? जाओ नीचे सो। मैं अगर नीचे सो गया तो भूत तुम्हारे बगल में सोएगा, चलेगा? नहीं नहीं, तुम यहीं सो जाओ, पर गैप रखना। गैप किस लिए? भूतों को बीच में सुलाओगी क्या? मतलब इतने से गैप में भी आत्माएं घुस जाती हैं, पता है? तो ठीक है, गैप मत रखो। अभी सीन ये है कि तुम संजय के साथ फोन पे बात कर रही हो, सडनली सिग्नल कट हो जाता है और तुम फोन को जमीन पे पटक देती हो, यही है शॉट, ठीक है ना? ओके। सुबह रेडी है? हाँ ओके विजय, सेवा नंबर देना। ए, फोन किसका है? और किसका है, विजय का ही है तो ठीक है। चार नंबर, एक्शन। हाय संजय, हाउ आर यू? रात को तुम्हारे रूम में आने वाली थी पर अचानक मेरा मंगेतर मेरे घर आ गया, इसलिए नहीं आ पाई, सॉरी। हेलो, क्या तुम्हारे फियांसे ने? हेलो, यहाँ सिग्नल ही नहीं होते। कट इट, सुपर परफॉर्मेंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा शॉट, बहुत अच्छा किया मैडम आपने, सुपर ना। ये सब क्या था? शूटिंग है रश्मि, ये एक जूनियर था। अगर तुम्हें पहले बता देता तो तुम आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन देती तो मजा नहीं आता। मुझे नेचुरल एक्सप्रेशन चाहिए था, इसलिए छुपा के रखा। कैसी है मेरी क्रिएटिविटी? पहले से ही मैं डरी हुई हूँ, ऊपर से अपनी बकवास क्रिएटिविटी से और डरा रहे हो। एक और बार ऐसे शॉर्ट्स प्लान किए ना तो मुझे तुम्हारा मजा प्लान करना होगा, माइंड इट। ए चल हट। जोर से मारा क्या यार? मुझे लगा था कि वो मेरी तारीफ करेगी। कभी कभी ऐसे हादसे होते रहते हैं, तू बुरा मत मान यार। हाँ चलो अच्छा।
रेशमी और संजय के प्यार को कैसे खत्म करूं यार? रेप सीन प्लान करते हैं, वो विलन होगा और तुम हीरो। ये सही कहा तूने, ऐसा ही करते हैं। ए, इतने अंदर तक क्यों ले आया यार? यहाँ रेप सीन प्लान कर रहे हैं। रेप? बढ़िया यार। रेप सीन तो स्क्रिप्ट में नहीं है ना। स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन, क्रिएटर स्क्रिप्ट को इसी तरह से बेटरमेंट करते हैं। चल बैठ, करते हैं। ए, पकड़ इसे। प्लान तो वर्कआउट नहीं हो रहा है। चलो। मुझे क्या फर्क पड़ता है? ए, शॉट ठीक से आया नहीं, शायद एक और लेना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, शॉट परफेक्ट है। और तुम क्या रेप सीन में कॉपरेट कर रही थी? रेप क्लाइमेक्स में था ना, इसलिए थोड़ा फील आ गया। तुम्हें नहीं, जिसने इस सीन को सोचा था उसे मारना चाहिए। चलो रिलैक्स। कहाँ जा रहा है? अरे ये लगी है। छह, मैंने भी किसकी बातों भरोसा कर लिया। वो देख भैया आ रहा है। एक काम करते हैं, अभी पूछ लेते हैं, ये तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। आने दे, साले को पूछ लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे विजय, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं रे, देख डायलॉग फाइटिंग वगैरह मुझसे नहीं होगा। अभी जो किया था ना रेप सीन, कुछ वैसा सीन है तो फिर प्लान बना। हाँ करता हूँ ना, तुम दोनों का एक रेप सीन प्लान करता हूँ। बकवास करता है, चल बक। फिर से शूटिंग चालू है। केसी सर, आपके दोस्त आ गए, जरा मिल लीजिए। ये पुलिस वाले भी टीवी में एड की तरह कभी भी टपक पड़ते हैं। नमस्कार सर। परमिशन लिए क्या? नमस्ते बोलने के लिए कैसी परमिशन सर? मैं पूछ रहा हूँ शूटिंग के लिए परमिशन लिए क्या? क्या सर, अमाउंट भिजवा दिया तब भी। तो आज कौन देगा? ओ, तो इसका मतलब अमाउंट रोज रोज मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे भी तो खुद को मेंटेन करना पड़ता है। कोई बात नहीं सर, चलिए आपको दे देता हूँ। आइए। जान, क्या देख रहे हो? खाना खाया? हाय। मेरे फोटोज देखने की क्या जरूरत थी? बुलाती तो मैं खुद ही आ जाता। तुम आओगे तो कुछ ना कुछ करोगे, इसलिए नहीं बुलाया। ओह। अरे हाँ, तुम सडनली कैसे आ गए? पूजा जाएगी तो चले जाओ। यानी पूजा नहीं आएगी तो चलेगा ना? यू नॉटी। ये क्या, तुम्हारी शर्ट कैसे गायब हो गई? डिसअपॉइंट मत करो, नहीं तो पैंट भी गायब हो जाएगी। यू जब तक पूजा नहीं आती तब तक एक किस दे दूं क्या? ओके ओके ओके, दे दो दे दो। अगर अभी संजय को देखना हो तो कैसे? या सीक्रेट हॉल से। बदतमीज का ही काम होगा, अभी बताती हूँ उसे। संजय यहाँ पे भूत है। मुझ पे यकीन करो, तुम पागल हो गए क्या? भूत की बातें कर रही हो? अरे भूत तुम कुछ नहीं होगा। लाइट्स ऑन। ये है फर्स्ट हाफ। नाइस सर। चलो चलते हैं। प्रोड्यूसर सर, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा बनाया, मुझे बहुत पसंद आया। ओके ओके।
आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। अरे ये तो और भी अच्छा है। ये मेरा कुक है, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। कब बुलाएंगे सर? अरे जाओ ना। जाते हैं सर। अंता ही नहीं है। जब इसका कुक ऐसा है तो इसकी पत्नी कैसी होगी? बहुत ही खूबसूरत है, बैठ जाओ। सर आप भूतों के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्या? लगता है आपको भूत बहुत पसंद है। नहीं, डर लगता है। तो फिर आप भूत की मूवीज क्यों बना रहे हैं सर? डर भगाने के लिए। वैसे अभी तक आपने हमें सेकंड हाफ दिखाया नहीं है, क्यों? क्योंकि वो नहीं है इसीलिए। चलो जा जा। वेरी वेरी टैलेंटेड टीम। मेरे टेस्ट के हिसाब से हमने गोस्ट मूवी स्टार्ट की। डायरेक्टर सत्या, मुझे डीप फॉरेस्ट लोकेशन चाहिए। बहुत खर्चा हुआ। ओके, पीछे नहीं हटे। दो शेड्यूल के बाद डायरेक्टर सत्या, कैमरामैन अमर गायब हो गए। फर्स्ट हाफ में काम करने वाले ओनर, कुक और कुक की वाइफ और वहां का इंचार्ज गायब हुए। डायरेक्टर कैमरामैन की तलाश पर निकले पर वो नहीं मिले। कहां गए लेकिन, क्या हुआ ये भी पता नहीं चला। शूटिंग बंद करने के बारे में सोचा पर विजय और सुभाष ने सेकंड हाफ कंप्लीट करेंगे ऐसा कहा। ओके कहा, लेकिन आगे क्या हुआ ये पता नहीं चला। इस शूटिंग में काम करने वाले सभी लोग मर गए, सिर्फ रेशमी के अलावा। उस लड़की से मिलाने की काफी कोशिश की पर वो लड़की प्रोड्यूसर के होने के बावजूद मुझसे मिलने से इनकार करती रही। ठीक है, सोचा उस लड़की को तकलीफ क्यों देना तो मैंने खुद ही फिल्म ड्रॉप कर दी। लोकेशन के हम मेरे मैनेजर बाल गोपाल ने उसे जितनी भी फुटेज मिली वो सब लाकर मुझे दी और वो सारा स्टफ मैंने अपने एडिटर को दे दिया। ऑर्डर डालकर फर्स्ट हाफ रेडी किया और अभी हमने वही देखा। इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद भी मुझे इस मूवी को इसी तरह बनाना नो, मुझे नहीं पसंद है। इसे रेडी तो करना ही होगा। और तुम पिछले दो साल से ये कहते आ रहे हो कि राजमौली बनना चाहते हो, त्रिविक्रम बनना चाहते हो, विनायक बनना चाहते हो, मेरी सेकंड वाइफ के जैसे मेरा हमेशा सर खाते रहते हो, तो अब मैं तुम्हें चांस दे रहा हूं। डायरेक्ट करो, जाओ। सर थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कांग्रेस यार, सुपर। अच्छा सुनो, तुमने फर्स्ट हाफ तो देख लिया है ना? हाँ सर। सेकंड हाफ उसी के बेस पर बनाना। हाँ ओके सर। बजट कितना भी हो सब मंजूर है पर आउटपुट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। श्योर सर, ये मेरी लाइफ का सवाल है। दो दिन के अंदर मैं स्टोरी पूरी करके आपको दिखाता हूँ। दैट शुड बी द स्पिरिट। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सेकेंड हाफ पर काम कर रहा हूं तो क्या हुआ?
सेकंड हाफ पर काम कर रहा हूँ तो फर्स्ट हाफ के सारे भूत आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मिडनाइट के बाद कभी भी काम नहीं करना चाहिए। मुझे डर लग रहा है कहीं भूत सच में आ जाए। ओए, मेरे बारे में जानता है ना, भूत मुझसे डर के खुद ही गीला हो जाता है, समझा? बोला बोला उस भूत को, कहा है? देख लेना, मुझे देखते ही भाग जाएगा यहाँ से। अच्छा सुन, तू डर मत, मैं हूं ना यहाँ पे, आजा मेरे साथ, आजा सोएंगे, आजा आजा आजा। तू मेरे साथ ही सोना। हाँ एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे पता है तुम मुझसे किस मांगने वाले हो। क्या डार्लिंग, फीलिंग समझने के बाद भी क्यों मना करती हो? ओके बाय बाय। हाय राम, हाय चिंटू। हाय। क्या बात है, बड़ी गहरी सोच में डूबे हो, तुम सेकंड हफ्ते पहुंच गए क्या? ठीक है, मैं एक सीन बताता हूँ, कट करें तो अरे क्या हो गया, भूल गया यार। कट करना, ओपन करना, वो सब चिंटू का काम है। तुम अपना सीन बताओ। रेशमी, रेशमी डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो। रुको, एक आइडिया आया है। क्या हुआ? हमें जल्दी से रेशमी से मिलना चाहिए। उसकी गर्लफ्रेंड से तू मिलेगा तो वो छोड़ेगा क्या? अरे यार, मैं उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अपने फर्स्ट हाफ में जो रेशमी थी ना, हाँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तू चुप रहना, तू कंटिन्यू कर। यस, हमारी कहानी के सारे किरदार फर्स्ट हाफ में कैसे मरे, असल में वहाँ क्या हुआ था, ये रहस्य सिर्फ रेशमी को ही पता होगा। तो रेशमी अगर हमें मिल जाए तो हमारा सेकंड हाफ बड़ी आसानी से बन जाएगा। सही कहा तूने, बिल्कुल। मैं अभी जीवा सर को फोन करता हूँ। हाँ चिंटू, मुझे चेंबर में एक छोटा सा काम है, तो कल मिलते हैं। सर एक बार मैं रेशमी से मिलना चाहता हूँ। रेशमी से मिलना है, पर क्यों? सर रेशमी से मिलने से सेकंड हाफ बन जाएगा। पर उसे तो मैंने काफी बार मिलवा दिया। ऐसे मिलने से कोई मतलब नहीं है सर, शूटिंग स्पॉट में क्या हुआ था ये जानना चाहता हूँ मैं, ताकि स्क्रिप्ट लिखने में आसानी हो। सर ठीक सोचा है तुमने, रेशमी के घर का एड्रेस लोकेशन के नजदीक ही है, ऐसा मैनेजर गोपाल ने बताया था मुझे। चलो ठीक है, मैं एड्रेस गोपाल से लेकर तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। ओके, तो हम रेशमी से मिलने वाले हैं। यस यस या क्या बात है। अरे फिर से फोन आ गया। अरे वाह, एसएमएस भी आ गया। तो कर ना। हेलो सर, मैसेज मिला ना? मिल गया सर। तो मिलने जा रहे हो? बस एक घंटे में निकलेंगे सर। ओके ओके, जरा ठीक से जाना, हाँ कोई बात हो तो कॉल कर देना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये चिंटू तो काफी स्मार्ट है।
कौन चाहिए? हमें रेशमी से मिलना है। रेशमी से मिलना है आपको? आप लोग कौन है? मेरा नाम चिंटू है, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम लोगों की वजह से ही मेरी पोती आज। कौन है नानी? तुम्हें क्या करना है, तुम अंदर जाओ। नानी उन्हें अंदर आने दीजिए। आइए। जीवा सर ने आपका पता दिया, मैं चिंटू हूँ, ये राम। हेलो। हेलो। और वो मीना। हाय। मुझे पता है, मैनेजर ने कॉल करके सब बताया था। आपके सेकंड हाफ के लिए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, उस फार्म हाउस में फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था अगर ये बता दो तो सेकंड हाफ लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। यस। संजय और तुम्हारे दोस्त वो कैसे मर गए? और वो डेड बॉडीज का क्या हुआ? प्लीज रेशमी, प्लीज बताओ, तुम पे ही हमारा करियर डिपेंड है, प्लीज, नहीं तो हमारी लाइफ खत्म है। बताती हूँ, जो कुछ हुआ सब बताऊंगी। अगर मैंने अभी नहीं बताया तो शायद सब कुछ मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर और कैमरामैन के गायब होने के बाद हमने खुद ही सेकंड हाफ बनाने के बारे में सोचा और उसके लिए जीवा सर भी मान गए थे। अरे यार, डायरेक्टर और कैमरामैन दोनों ही मिस हो गए तो आगे क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ भी मत बोलो, ये मूवी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन डायरेक्टर कौन होगा? और कौन होगा, अपना विजय है ना। विजय, इसको कुछ आता है क्या? क्या बोल रहे हैं, 100 शॉर्ट फिल्म्स बनाई है मैंने। अरे तो ये क्या गारंटी है, मैंने तो तेरी बनाई एक भी शॉर्ट फिल्म नहीं देखी। ए, पर अपनी फिल्म तो जरूर देखेगा। वो सब तो ठीक है, पर कैमरामैन कौन होगा? और कौन, मैं ही, कैमरे को अच्छी तरह से ऑपरेट करता हूँ मैं। तो रियल लाइफ कैरेक्टर को रियल लाइफ कैरेक्टर के साथ काम करना होगा। ओके, शूट की ओपनिंग करूंगा डिफरेंट लोकेशन में, मोंटाजेस सॉन्ग के साथ। मेरा 50mm लेंस कहाँ गया? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? 50mm लेंस नहीं मिल रहा है। क्या बात? अरे तेरा 50mm का यहाँ है रे। ए, तू मेरा लेंस लेके क्यों गया? चुपचाप से यहाँ लेके आ, नहीं तो। ए, वो मेरा 50mm लेंस है, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है वो। देख मुझे 90 दे दे और तू 50 ले ले। वो से दे दे। ये माँ, ये ले। ले, ले तेरा 50 ले ले। ला दे। मेरा 90 आ गया। दोस्त, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे भी एक बात बतानी है। पहले मैंने बोला तो मुझे बताने देना। ठीक है बोल। रेशमी का सुपर फिगर है, छी छी, बहुत सुंदर दिखती है दोस्त। सही कह रहा है तू। कुछ भी करके मुझे उसे प्रपोज करना होगा, आई लव हर। अच्छा हाँ, तुम भी कुछ बताने वाले थे ना? और कोई बात नहीं थी दोस्त, रश्मि भी तुम्हें ही देखती, बस यही बताना था मुझे। वो जल्द ही मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। लोकेशन कुछ अजीब लग रहा है, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पर आकर के कैसे शूट कर पाएंगे हम लोग यार? ना लाइटिंग है, ना कोई सेटअप का जुगाड़ है, क्या कैसे होगा यार? अब एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ शूट करेंगे सर, मस्त लोकेशन है। हाँ, वहाँ वहाँ जाकर के हम सब डेड बॉडी में बदल जाएंगे। इतना घना जंगल है और ऊपर से शमशान भी है। देखो विजय, शूटिंग हम वहाँ नहीं कर सकते, प्लीज। तो फिर एक काम करते हैं, जंगल के सभी पेड़ों में सीसीटीवी कैमरा फिक्स कर देते हैं। जो भी फुटेज मिलेगा उसे एडिट करके हम अपने सीन में फिक्स कर लेंगे। नहीं यार विजय, ये लोकेशन मुझे ठीक नहीं लग रही है। अरे कूल, देखना सब ठीक हो जाएगा। शिवा, वहाँ अरेंजमेंट करो। हाँ करता हूँ। चलो ठीक है। मैंने जो मैनेजर का रोल किया था, अब वही ओरिजिनल में भी करना पड़ रहा है मुझे। और हमें खुद का कैरेक्टर ही नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर भी प्ले करना पड़ रहा है। अरे सुबू, हाँ? कैमरा पेड़ पे रख, हीरोइन इसके अंदर नहाएगी। विद ड्रेस या विदाउट ड्रेस? विद ड्रेस शिवा, यही शॉट है। अरे इसमें तो खुजली और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अब इतना तो होगा ही, एक्टिंग करनी है तो ये सब करना ही पड़ता है।
चलो चलते हैं। हाँ ठीक है चलो। एक मिनट रेशमी। क्या हुआ, नहीं आना तुम्हें? अरे बाप रे, क्या हुआ तुझे? मैं बोर हो रही हूँ तो चलो अपने रूम में चलते हैं। मुंह बंद कर। कोई गेम खेले क्या? हाइड एंड सीक। तो चोर कौन होगा? टास करते हैं। ओके ओके ओके। चलो हाथ पकड़ो सब लोग। चलो रेडी। ओके ओके रेडी। 1 2 3 You are out. Hey, मुझे दो, मैं बांधता हूँ। मैं बांधू क्या? ठीक है तू ही बांध दे। आ जाओ। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मंगलसूत्र बांध रहा हो। How many are this? चल। रेशमी। पूजा। नेहा। संजू। संजय, पूजा, संजय, हे, कहाँ हो तुम लोग? चंदू, नेहा,
संजय पूजा संजय हे संजय तुम यही हो ना कम ऑन संजय आई नो यू आर हियर क्या हुआ रश्मि क्या हुआ रश्मि 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 क्या हुआ रश्मि क्या हुआ अरे क्या हुआ रश्मि हम तो बोलो व्हाट हैपेंड रश्मि व्हाट हैपेंड गोस्ट मैंने देखा हम सबको आउट करने के लिए भूत का नाटक कर रही है और कुछ नहीं मैंने सच में उसे देखा वो वहीं था हां क्या क्या कह रही है क्या बात कर रही है सच में चल खेलना नहीं मैं और नहीं खेल सकती मैं जा रही हूं जा रही हूं सुनो सुनो रश्मि नो अरे तू आ गया क्यों भाई चिकन नहीं लाया क्या नहीं लाया ए चिकन लेकर आया क्या चिकन विकन नहीं है स्नैक्स लेके आया तू ये लो खा लो लक्ष्मी 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 सो क्यूट कमाल की दिख रही हो और लेट नहीं करना चाहिए कुछ भी करके संजय को लव प्रपोजल कर दे तेरी सुंदरता के सामने तो उसे हाँ बोलना ही होगा सीन एक्सप्लेन करने के लिए इतनी दूर लाने की क्या जरूरत थी सीन एक्सप्लेन करने के लिए नहीं एक छोटा सा प्रपोजल के लिए बुलाया प्रपोजल तुम्हें स्कूल में ही बताने वाला था पर टीचर की डांट से मैंने नहीं बताया कॉलेज में बताने वाला था लेकिन अपने बाप के डर से नहीं बता पाया लेकिन अब अगर नहीं बता पाया तो कसम खा के बोलता हूँ फिर कभी नहीं बता पाऊंगा बोलो आई लव यू रेशमी क्या हुआ रेशमी इतने अचानक बोला तो देखो विजय मैंने हमेशा ही तुम्हें दोस्त माना है ये प्यार वगैरह ठीक है मैं समझ गया तुम्हें टाइम चाहिए ना ठीक है 5 मिनट ले लो 1 घंटा ले लो वैसी बात नहीं है विजय ठीक है वो भी कम पड़ रहा है चलो पूरा दिन ले लो फाइनली 1 दिन और ले लो चलो अब इससे ज्यादा टाइम मत मांगना प्लीज 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 जल्दी से सोच के बता दो तुम्हारे जवाब का मैं इंतजार करूंगा ओके कॉफी शायद खत्म हो गई कैपुचिनो भेजता हूँ ठीक है इसकी खूबसूरती तो बढ़ती ही जा रही है ओह गॉड दोस्त मुझे उसे इस तरह से देखा नहीं जा रहा है तुम ही कुछ करो ना यार ओके मैं वहाँ वेट करता हूँ ठीक है ठीक है वैसे हम यहाँ और कितने दिन स्टे करने वाले हैं ये कोई 3-4 दिन और लग सकते हैं एक्चुअली मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला था हाय गाइस अब ये सीन अगर दोस्त ने देख लिया ना तो उसका दिल टूट जाएगा मैं ही किसी तरीके से मैनेज करता हूँ मैंने जो कहा था उसके बारे में सोचा बिकनी में मैं एक्टिंग नहीं कर सकती अरे बिकनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अपने प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ विजय वो ओके अब मैं समझ गया तुम्हें और टाइम चाहिए चलो वो भी दिया लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना ओके ना जानता हूँ पसंद ही करेगी रिस्पॉन्स चाहिए हट कुछ भी बोलो साइंटिस्ट बहुत मान है
उनके बताए हुए फॉर्मूले पर ही तो अपने यूथ खुशी खुशी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कैसे? वो भी नहीं जानता तू। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इवनिंग इक्वल टू 2 MC फुल होता है इसका मतलब। क्या क्या बोलता है तू, कुछ समझ में नहीं आता। ए, मैं भी एक नया फार्मूला बना रहा हूँ। पहले तू अपने पैसों से पीना सीख ले, बाकी बाद में सब सोचना। बहुत एंजॉय कर रहे हो ना तुम लोग। अरे दो पैग उसे भी पिला दे यार, मैं सुन करके इधर आ गया है। मैं और मेरे फ्रेंड्स भी तुम लोगों की तरह इस फार्म हाउस में आते थे, खूब एंजॉय करते थे हम लोग, लेकिन अब वो सब लोग नहीं रहे। झूठ बोल रहा है। उन सब लोगों की मौत हो गई। तो क्या सांप ने डस लिया? प्रेत आत्मा ने मार डाला, वो तुम लोगों को भी मार डालेगी। बाप रे, तुम्हारी बलि लेकर रहेगी वो प्रेत आत्मा। कुछ भी, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। क्यों डरा रहे हो, जाओ ना यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे। अबे यार, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है? पता नहीं, मरने तक किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ सही कह रहे, चल चलते, चल चल। आज चाहे जो करना पड़े, रेशमी को आई लव यू बुलवा के किस करूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स ओके इट्स ओके। एक्चुअली मैं एक बात बताने आया था, वो क्या कि विजय आ रहा है, मैं बाद में बताता हूँ। क्या विजय आ रहा है? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? किसिंग। व्हाट? किसिंग। मेरे प्यार का क्या हुआ? आई कांट। ये बात तुम्हें कुएं के सामने बताना चाहिए था, उसी में फेंक देता तुम्हें। पर तुमने 2 दिन का टाइम दिया था ना, तो तुम किसी को किस करोगी क्या? हे ब्रो, छोड़ना यार, वो बिना कुछ सोचे। बिना कुछ सोचे नहीं, तुम दोनों ने जानबूझ के मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया है। अच्छा ये बता, रुमाल है क्या? वो अंदर है, ले लो। तू तो चुप ही रह। सॉरी संजय, एक्चुअली मुझे विजय नहीं पसंद है, उसे कैसे कट करूं समझ में नहीं आ रहा था, तो तुम्हें किस कर लिया। इट्स ओके इट्स ओके। रेशमी शायद मेरी हो गई है, वो मुझे देखे जा रही है। अरे यार, अच्छा। अरे वो अपनी नजरों से मेरे अंदर के आशिक को बाहर बुला रही है, किसी दिन मैं उसकी डायरेक्ट पप्पी ले लूंगा। ऐसा नहीं है दोस्त, पहले मैं जाके उससे बात करके आता हूँ। जा। इनके बीच मैं फंस गया। अपनी राशि फल में जब मित्र की सहायता लिखी हुई थी तभी जान गया था ये मेरी हेल्प करेगा। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हें कैसे पता? नॉवेल का डायलॉग था संजय, क्या हुआ बताओ। वो क्या है कि हाँ संजय, सब ठीक है ना? सर ओके सर, एवरीथिंग इज ओके सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देख लिया होगा क्या? सॉरी, मुझे लगा विजय होगा। मुझे भी विजय ही लगा था। चाहिए क्या? संजू चल रहा है क्या 90 पीने? ऑलरेडी नशे में हूँ यार, बगल में फुल बोतल है तो 90 क्यों पिएगा तू? विजय आ रहा है। सच में? दोस्त तुमने विजय समझा क्या? मैं ही दोस्त हूँ। दोस्त? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैंने तुम्हें किस मत करना उसे ये कहा, लेकिन किस करना ये नहीं कहा। बहुत ही अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छे से उल्लू बनाया मुझे। तुम दोनों पनीर मटर मिक्स करके फुलके के साथ लगाकर खा रहे थे, ले रहे थे, तो मैंने डिस्टर्ब किया क्या दोस्त? मैडम इतनी बोली मत बनो, तुम और तुम्हारे और शॉर्ट्स, वो सब देखकर ही मैं लट्टू हो गया। सुन, मैं बाहर ही रहूंगा, वहाँ अपना पियक्कर चंदू और कैमरामैन सुभाष, कोई भी आएगा तो ट्रैफिक कांस्टेबल बनकर उन सबको वहीं रोक लूंगा। और सुनो, तुम लोगों को कुछ पानी, चाय, बिस्किट, समोसा कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही हूँ, आ जाऊंगा। आज मैं नहीं शर्माऊंगी। I love you। मैं भी बेशर्म होके बोल रहा हूँ। I love you। अरे सुभाष, हाँ। तुझे पता है टी-शर्ट कितने की है? कितने की है? 2000 की। अच्छा? ये शू 3000 की है। अरे बाप। और ये पैंट जो है 4000 की, कुछ दिन पहले लिया मैंने। यार पीने के लिए बोलने वाली भी गवर्नमेंट है, पीने पर पकड़ने वाली भी गवर्नमेंट है। सही कहा भाई। ऐसा क्यों? उनका बिजनेस है।
अरे संजय, सुबह पूजा व्हाइट ड्रेस में सुपर लग रही थी। कुछ भी हो यार, लड़कियां सच में गॉड गिफ्टेड होती हैं। अच्छा, और लड़के? लड़के उस गिफ्ट का कवर है। केसी सर, दारू पीने से लीवर खराब होता है क्या? लीवर खराब होता है पता तो नहीं है, लेकिन सबको दारू देकर मैं जरूर खराब हो गया हूँ। यार थोड़ा मुझे भी देते ना, मजा आता। अमावस्या की रात आने वाली है, तुम सबको खत्म कर देगी, भाग जाओ यहाँ से। ये कौन है यार, क्या बोल रहा है? मौत आ जाएगी, एक्सपोज करेगी, क्या बोलता है ये? भगाओ इसे यार। कैसे सर, या तो उसको भगा दो या आप भी उसके साथ चले जाओ। यू डोंट वरी, मैं हूं ना। कौन है तू? पीने बैठे हैं तो बीच में क्यों आ रहा है तू? चल निकल, निकल यहाँ से, निकल निकल। भाग जाओगे तो जिंदा बच जाओगे, वरना सब लाशों में बदल जाओगे। भाग जाओ, सब भाग जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। अरे जरा हाथ तो पकड़। वो भी चला गया। बहुत अच्छा किया दोस्त। क्या देख रही हो रेशमी? कौन है वो सर, म्यूजिक प्ले करते हुए जा रहे हैं? ये एक तरह का म्यूजिक होता है, कोई मर जाता है ना तो उसकी डेड बॉडी यही बजाते हुए देखने जाते हैं ये लोग। अच्छा, इनकी यही रीति होती है। तुम ज्यादा सोचो मत, चलो यहाँ से, चलो चलो आ जाओ। It was just a dream. रिश्मी, गोस्ट। क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं दिखा, यही चिल्लाई। इट्स ओके, काम डाउन रिश्मी, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, इट्स ओके। आज खत्म होगा, आज मेरे हाथों खत्म होगा। क्या कर रही हो, रेस्ट कर रही हो क्या? मैं पीने के बाद मछली खाना पसंद करता हूँ, मालूम है ना? ये तुम चुप क्यों हो? मौन व्रत धारण की हो क्या? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या बात है, कोई नया गेटअप की हो क्या? ऐसे क्या देख रही हो? पहले ये बता, ये मेकअप किसने किया? गिटार बजाने वाले ने किया है क्या? आज मेरे हाथों तेरा खात्मा होने वाला है। तेरा खून पियूंगी मैं। मेरा खून पियेगी तेरी? अरे सबू, अपना बुल्ली देव मर गया। अरे मर गया? हाँ, कैसे यार? वो मेरे को नहीं पता। अरे भाई ये कैसे हुआ? खूब पी कर आया और बीवी को बहुत पीटा, इसकी बीवी कहीं भाग गई, ज्यादा पीने की वजह से ये खून की उल्टी करके मर गया। ठीक है, इस बॉडी को मैं संभाल लूंगा, कल सुबह तुम्हारी शूटिंग है ना, तुम लोग जाकर सो जाओ। आंखें खोली क्यों, बंद करनी? मैंने कहा ना मैं देख लूंगा, जाओ यहाँ से, चलो निकलो।
ये साउंड कहाँ से आ रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से चले जाते हैं संजय प्लीज। रेशमी तुम डरो मत, दो दिन में शूटिंग खत्म हो जाएगी फिर हम घर चले जाएंगे। जाना है तो सूर्यास्त से पहले चले जाओ क्योंकि आज अमावस्या की रात है। वो पागल इंसान है, उसके बारे में मत सोचो, हम जितना सेफ आए थे उतना ही सेफ जाएंगे, ठीक है ना? अदिति एक बार। नहीं नहीं तुम जाओ यहाँ से। अदिति प्लीज मुझे आना है। अदिति अभी नेहा आ जाएगी, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। अदिति प्लीज। इडियट, समझ में नहीं आता तुम्हें? सॉरी 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 प्लीज अदिति प्लीज। ठीक है ये आखिरी बार है, मैं पहले बाथरूम में जा रही हूँ, तुम पाँच मिनट बाद आ जाना। ठीक है अदिति। आजा अदिति। कोई डोर नॉक कर रहा है। ये नेहा होगी, तुम दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ, बताना नहीं। ओके, ठीक है तुम उस तरफ घूमो, तुम उस तरफ घूमो, घूमो घूमो घूमो। अदिति तुम? हाँ भूल गए क्या, तुमने ही तो बुलाया था, कोई नई लड़की मिल गई है क्या? अगर तुम यहाँ हो तो फिर ये अंदर यहाँ पे कौन है? क्या कहा, अंदर अदिति है। अंदर कोई तुम्हारी तरह है। एक ही बार। कैसी है? पता नहीं, समझ में नहीं आया। तू यहीं रुक, मैं देख करके आता हूँ। ठीक है जा। क्या हुआ पूजा? हाँ
अरे विजय आजा जल्दी। हाँ? स्टॉप पूजा, कल रात भी वो ऐसा ही कर रही थी। पूजा 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 हे पूजा 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 क्या कर रही हो तुम, बैठो आराम से। पूजा 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत। हाँ इट्स ओके। पूजा पूजा रिलैक्स रिलैक्स। पूजा को लेके चलते हैं, एक मिनट भी वेट नहीं करते, चलो जल्दी चलो यहाँ से जल्दी। संजय रुको, मैं अपना टेडी बेयर भूल गई। पागल हो क्या, जल्दी आओ। एक मिनट रुको ना प्लीज। मैं जा रहा हूँ। मेरा टेडी बेयर, टेडी बेयर संजय। अरे एक मिनट रुकना, क्यों क्या हो गया? मेरा बैग है। अरे बैग बैग छोड़ यहाँ से, चल जल्दी। कैमरा फुटेज सब मिस हो जाएगा यार, प्लीज यार लेने दे। चल अच्छा चल। विक्रम यहीं रुको, जल्दी कर। शमशान है ये, देख कुछ कर रहा है। सब बाद में देखना, चल जल्दी यहाँ से अभी निकल। एक मिनट देख तो सही। अमावस्या के पहले हमें 21 डेड बॉडीज चाहिए। आत्मा जब प्रेतात्मा बनती है तब इंसान की जान बलि मांगती है, उस मौत से बचने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। क्रिस्टोफर अब से तुम भी हमारे आदमी हुए, आज के बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और ये तुम्हें प्रेतात्मा से बचाएगी। आज से जंगल में सिर्फ प्रेतात्माओं का वास होगा। नहीं, ये अब उनको मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, चलो जल्दी करो। आ जाओ पूजा 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 पूजा। नहीं तो छोड़ के गए थे। पूजा 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 संजय पिंकी, मैंने जो काम बोला तुमने नहीं किया। सब तो कर रही हूँ। नहीं, गेस्ट हाउस के तीन लोगों पर जादू टोना करने को बोला था, तुमने नहीं किया। मैंने किया। मैंने तीन लोगों पर करने को कहा था, तुमने दो लोगों पर किया। वो भी जिंदा हैं। हाँ, वो तो जिंदा है। तुमने ऐसा क्यों किया पिंकी? ये सच में कोई काम समय पर नहीं करती। प्लीज, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। तुमने वहाँ देखा, वो जो प्रेत आत्मा तुमको बुला रही है, अब मैं तुमको उनके पास भेजूंगा। तुमने बुलाया नेहा। नेहा रुको, नेहा आई एम कमिंग। नेहा नेहा रुको, नेहा रुको, आई एम कमिंग। अदिति 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 कहाँ हो तुम, अदिति कहाँ हो तुम, अदिति अदिति अदिति। लगता है हम किसी गलत जगह पे आ गए हैं। जरूर यहाँ कुछ गलत हो रहा है। लगता है कोई आ रहा है। वहाँ छुप जाते हैं। आ जाओ इधर छुपते, आ जाओ। टाइम नहीं है, काम शुरू करो। ओके गुरुजी।
शैलेंद्र कहाँ है? वो उस तरफ है। शैलेंद्र, आज अमावस्या है, याद है ना? 5 सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। हर एक मिनट हमारे लिए जान से ज्यादा कीमती है। हाँ, तुम्हारे दोस्तों में से बचे हुए इन तीनों की डेड बॉडीज चाहिए। वो लोग तो यहाँ से बच निकले। नहीं, तो उन लोगों की बलि भी ले ली होगी प्रेतात्माओं ने। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे हाथों मारे जाएंगे। समय से पहले मैं उन तीनों को तुम्हारे पास ले आऊंगा। जल्दी करो शैलेंद्र, जल्दी करो। प्रेतात्मा हमारा इंतजार कर रही है। अगर सब कुछ सही हुआ तो इस अमावस्या के बाद हम लोग शक्तिशाली बन जाएंगे। शैलेंद्र जाओ, उन तीनों को हमारे पास लेकर आओ। अरे, वो तीनों भाग रहे हैं। शैलेंद्र, वो किसी भी कीमत पे बचना नहीं चाहिए। तो मेरे हाथों मारे जाएंगे। क्या हो रहा है सब? आखिर चल क्या रहा है यहाँ? वो लोग कौन है? सुभाष सिंह का क्या लिंक है? वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे? और वो डेड बॉडी क्या है? उसे नेक्रोमेंसी कहते हैं। नेक्रोमेंसिया? हाँ, मैंने एक बार नेट पर पढ़ा था। नेक्रोमेंसी इज वेरी वेरी डेंजरस। लगता है सुभाष आ रहा है। चलो यहाँ से, कम ऑन। चलो, चलो। तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? फ्रेंडशिप को तुम लोग यही वैल्यू देते हो क्या? तू हमसे बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहा है। शूटिंग के बहाने हम सबको यहाँ बुलाकर हम सभी को मारने की कोशिश कर रहा है। हमने तेरे साथ ऐसा क्या किया है दोस्त? ये सब तू क्यों कर रहा है और किसके लिए? पावर, ब्लैक मैजिक पावर। उस पावर के लिए मैं 5 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। अब तक 2 बार मिस हो गया, लेकिन अब और नहीं मिस करना है। कैसे भी हम हासिल करके रहेंगे। हमें अब और 3 डेड बॉडीज चाहिए। 3 ही 3 डेड बॉडीज। 1, 2, 3। केवल 3 डेड बॉडीज। प्लीज यार, मेरे लिए मर जाओ यार। तुम लोग मर जाओगे तो वो पावर मैं हासिल कर लूंगा। या उस ब्लैक मैजिक पावर के लिए मैंने 5 साल ठीक से खाना भी नहीं खाया है, सोया भी नहीं। सुनो, मैं एक बात बता रहा हूँ। अगर तुम लोग अपने आप मर गए तो वो मौत बहुत सुखी होगी। वहीं अगर मैंने मारा तो वो मौत नरक से भी बदतर होगी। यार, तू हम लोगों की जान लेना चाहता है, हम कैसे अपनी जान दे सकते हैं यार? ओके, रेशमी, कम से कम तू ही समझा दे, तेरी बात मानेंगे ये, क्योंकि इन दोनों ने तुझसे प्यार किया है। कम से कम तू ही समझा दे। अरे समझा, समझा। विजय, तू रेशमी को लेके यहां से चला जा। इसे मैं देखता हूं। लेके जा। चल रेशमी, जाओ। दोस्त, हाँ? दोस्त, 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 यहाँ मुझे बचा लो प्लीज। दोस्त, दोस्त, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। दोस्त, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। देखो, प्लीज दोस्त मेरी मदद करो। हट जाओ, वो मेरा दोस्त है। मत जाओ वहाँ, जाओगे तो वापस नहीं आओगे। जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। इसकी बातों में मत आओ दोस्त, मेरी मदद करो। मेरी बात मानो। छोड़ जाओ दोस्त।
उस पर विश्वास मत करो, वो प्रेत आत्मा है। ए पागल, प्रेत आत्मा की शक्ति का अंदाजा नहीं है। भाग जाओ, तुम यहां से भाग जाओ, मुझे तो वो ईश्वर बचा लेंगे। ये तुम अपने पास रखो, यही तुम्हारी रक्षा करेगी। भाग जाओ। मेरे दोस्त आओ मेरे पास, मेरे दोस्त आओ। रेशमी, पूजा की आवाज। पूजा, 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 तुम यहाँ हो? यहाँ बहुत खतरा है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। संजू के आने तक वेट करना होगा। संजय के आने तक वेट करोगी तो मर जाओगी। ठीक है, चलो 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 चलते। विजय, हम चलते हैं। संजय, मुझे तुम चाहिए। संजय, तुम संजय, संजय, तुम यहां से भाग जाओ। मैं कह रहा हूं तुम जाओ यहां से। तुम भी चलो संजय। तुम जाओ, जाओ। प्यार के लिए संजय ने अपनी जान तक दे दी। सॉरी रेशमी, संजय की याद दिलाकर हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। वैसे सुभाष का क्या हुआ? उसे उसे नेक्रोमेंसी के लिए 3 डेड बॉडीज चाहिए थी। मैं उन्हें नहीं मिल पाई तो मेरे बदले सुभाष को। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। इस तरह सुभाष अपनी की हुई गलती की सजा पा चुका। एनीहाउ, थैंक्स रेशमी, तुमने हमें इन्फॉर्मेशन दी। अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके रेस्ट करो, हम निकलते हैं। इतनी रात हो गई है, यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं रेशमी, कल प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है, हमें जाना होगा। ओह, दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके बाय। ओके बाय। सेकंड हाफ के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए था वो हमें मिल चुका है। जीवा तो सुनकर फ्लैट हो जाएगा यार। सच में। hey, वो संजय है ना? अरे हाँ, चलो यहाँ से भागो, ये तो भूत है। नहीं, अंदर चलते हैं। हाँ, भूत सेफ है। अंदर चलो। क्या हुआ? संजय। संजय कैसे आ सकता है? वो अरे जीवा सर का फोन है, तो बात करना। सर, तुम लोगों को एक बात बताने के लिए मैंने कॉल किया है। कंफ्यूजन में मैंने तुम लोगों को एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या सर? रेशमी जिंदा ये बताया था ना मैंने? नहीं, उस बैच में सबसे पहले मरने वाली रेशमी ही थी। वैसे तुम लोग वहां सेफ तो हो ना? क्या हो रहा है?
बंद हो गया। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहे हो? विजिटिंग कार्ड दिया था ना, एक छोटी सी हेल्प नहीं करोगे? कर दो ना। कहाँ फंस गए? किस तरफ से आ रही है? अरे हम तो भूल ही गए, संजय भी भूत ही है। हाँ रश्मि ने बोला, तो रश्मि के ही पास चले जाओ। नहीं, रश्मि ने जो कहा वो सब सच था, सिर्फ मेरी मौत के अलावा। तुम सबको विश्वास दिलाने के लिए, रश्मि के जैसे चेहरे वाली प्रेतात्मा है, ये सब उसी ने कहा। उस दिन जो हुआ मैं बताता हूँ। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आए? हम पिक्चर बनाने के पागलपन की वजह से आए। लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? रेशमी से प्यार जो करता हूँ, उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो इसीलिए वो तुम्हारी जान लेना चाहती है ना? उसे छुड़ाने के लिए मैं भी तैयार हूँ। आज अमावस्या की रात है, रेशमी को प्रेतात्मा से मुक्त कराने के लिए रेशमी की लाश को जलाना होगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। लाश का दाह संस्कार जरूर होना चाहिए, तभी उसको शांति मिलेगी। नहीं तो उसकी आत्मा भी प्रेतात्मा बन जाएगी। वो प्रेतात्मा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोगों की और हम लोगों से मिलने वालों की जान भी ले सकती है। एक इंसान मर जाता है तो आत्मा, अगर वही इंसान मारा जाता है तो प्रेत आत्मा बन जाता है। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। भाई भाई अगर हम उस निकोर मेंसी बैच को मिल गए तो वो लोग हमें मार डालेंगे ना भाई? ये सच कह रहा है भाई। क्या करें भैया, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है अभी। तुम लोग टेंशन मत लो, वो सभी लोग मर चुके हैं। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल का कैन डिक्की में है, तो जाकर निकालना। क्यों, मुझ पे डालकर जलाने के लिए क्या? एक तो मैं डरा हुआ हूँ। चलो सब लोग साथ में चलेंगे। ठीक है चलो चलो। खोलो इसे, ओपन करना। मुझे ही खोलना पड़ेगा क्या? ओम का लॉकेट कहीं गिर गया। कैसी सर? संजय चलो काम खत्म करते हैं। ये क्या, रेशमी की डेड बॉडी दिखाई नहीं दे रही है? ये सब प्रेतात्माओं का जादू है, वो हमेशा हमें डराने की कोशिश करेंगी। बी केयरफुल। एक भी डेड बॉडी मत छोड़, सब पे डाल दो। You